Hello everyone and welcome back to my channel. So today's video is going to be about Amazon. और Amazon से मैंने बहुत सारी shopping की है फिर से, और जैसे कि summers चल रहे हैं then obviously you will love to see cotton outfits and yes. तो मुझे लगा कि यार आज का haul video भी बहुत ही special होना चाहिए, सारे cotton outfits होने चाहिए, और जैसे कि आपको अगर दिन भर के लिए पहनना है तो भी comfortable होंगे, wear it at office या फिर घर पर या फिर कहीं normally आपको जाना है तभी You will be comfortable in this outfit. So definitely बिल्कुल भी मिस मत करना आज का हॉल वीडियो, और सारे लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो थ्रू द लिंक. माय हॉल स्टोर का लिंक प्रोवाइड किया है, जैसे आप क्लिक करोगे आपको पिक्चर्स दिख जाएंगे, पिक्चर्स पे क्लिक कीजिए, इट विल टेक यू टू द अमेज़न पेज, वहाँ से आप शॉप कर सकते हो. सो इट इज़ वेरी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू ऑल. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू इट, ताकि आपको उस तरह के वीडियोज़ देखने मिले, आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करो. ओके, सो लेट्स स्टार्टेड. सो फर्स्ट जो आउटफिट है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल ग्रीन शेड. जैसे कि एक ब्रांड है जिसके पीछे पड़ी हूँ मैं, और ऑब्वियसली आपने सही गेस किया, इट इज़ फियोरा. सो ये भी फियोरा से ही है. लुक एट दिस, जैसे कि बहुत सारे इनके डिफरेंट स्टाइल्स है, वेरिएशंस है, प्रिंट्स है, कलर्स है. सो क्यों ना मैं अपनी वीडियो पर शो करूँ. सारे फियोरा नहीं है, दूसरे ब्रांड्स भी है. ओके, सो दिस इज़ द वन. इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉटन सेट. आई थिंक दिस इज़ गुड फॉर डेली यूज़ एंड इवन फॉर ऑफिस इफ यू वॉन्ट टू लुक लिटिल डिफरेंट, एंड मतलब क्लासिक अगर आपको लुक चाहिए, सो दिस इज़ द वन यू शुड डेफिनेटली ट्राई. सो इस तरह से ये कुर्ता है. सो दिस इज़ स्ट्रेट कुर्ता, बट ये थोड़ा सा लेंथ में ना रेगुलर कुर्ते से थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि इसका लुक आप देख सकते हो कि मैंने मॉडल की पिक्चर तो अटैच की है, बट दिस लुक्स रियली क्लासी. एंड शेड्स ऑफ ग्रीन यूज़ किए गए हैं. स्मॉल साइज़ है ये, और नेक एरिया आप देख सकते हो किस तरह से है. यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया ग्रीन लेस अटैच्ड है, एंड दिस इज़ प्योर कॉटन, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. ठीक है, साइड कट प्रोवाइडेड है, और लुक एट द स्लीव्स. ओके, सो स्लीव्स लिटिल डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट है, और या सो ये जो इस तरह का स्लीव पैटर्न है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, काफ़ी इन है इस तरह के ब्रॉड स्लीव्स. और यहाँ पर भी इस तरह से लेस अटैच्ड है, यू कैन सी. सो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड चॉइस. बैक साइड से भी इस तरह का प्रिंट मिल जाता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द क्वालिटी, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. और अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो आई थिंक जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से प्राइस बहुत ही नॉमिनल है. सो डेफिनेटली कैन ट्राई. सो आई लव दिस कुर्ता. इसके साथ जो बॉटम प्रोवाइडेड है, इसका प्रिंट जो स्लीव में दिया है वैसा वाला प्रिंट है. ठीक है, एंड इट इज़ हैविंग इलास्टिक, इट इज़ नॉट हैविंग पॉकेट. फियोरा में मेजरली पॉकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह का प्लाजो है. ठीक है, दिस इज़ प्योर कॉटन, वॉट अ सॉफ्ट मटेरियल, आई एम जस्ट लविंग द मटेरियल. सो ऑब्वियसली समर्स के लिए क्या चाहिए यार, अच्छा फैब्रिक. ओके, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू सस्टेन इन दिस हॉट वेदर. मुंबई में तो क्या गर्मी है यार, और पता है मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, मेरे स्टूडियो का एसी गिर गया नीचे. और सबसे बुरी बात, मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आई जब मैं एडिटिंग करने बैठी थी, फिर एकदम से ज़ोर से आवाज़ आई और मेरा एसी गिर गया. अगर मुझे मतलब इसी वीडियो में शायद मैं एंड में एक क्लिप भी डाल दूँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डर गई थी मैं, लिटरली आई वॉज स्केर्ड. और पता नहीं कैसे हुआ, बट उस एसी के नीचे ही सोफ़ा है, वहाँ बैठकर मैं हमेशा एडिटिंग करती हूँ, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, इसलिए मैंने बस यहाँ बैठ के एडिटिंग की. और तो आप ये भी कह सकते हो कि मैं बच गई बाल बाल, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट होता है कभी कभी. सो आज मेरा एसी वर्क नहीं कर रहा है. सो यस, बहुत ज़्यादा गर्मी है. मैं आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ रैंडम स्टफ़, सो इसलिए मैंने आपको बताया. सो इसलिए अगर आप एसी लगवाते हो, मेक श्योर कि आप उसके नीचे बैठो नहीं, और अगर आप सोते भी हो, वहाँ बेड है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके नीचे ना सोए, या फिर अगर आप सोते भी हो तो मेक श्योर कि एसी अच्छे कंडीशन में है, अच्छे से फिटेड है. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ओके, सो सेकेंड आउटफिट जो है, इट इज़ दिस वन. इट इज़ अ नाइस प्रिटी ब्लू कलर. ओके, पाउडर ब्लू कलर है, मतलब लाइट ब्लू शेड है. आई लव द कॉम्बिनेशन, इट इज़ ब्यूटिफुल. वाइट एंड ब्लू,
आई लव दिस कॉम्बिनेशन, बहुत ही फ्रेश लगता है. एंड अगेन ब्रांड नेम इज़ फियोरा. सो यस, सो या प्योर कॉटन, मतलब जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं यार, इट इज़ अमेजिंग. सो मेक श्योर ऑफिस के लिए भी अगर आपको चाहिए तो भी आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो. यहाँ पर डिफरेंट फैब्रिक अटैच्ड, इस तरह से लहरिया प्रिंट, और फिर पूरे कुर्ते पर इस तरह से फ्लोरल प्रिंट है. दिस इज़ ए लाइन, नो इसका लुक ए लाइन की तरह दिया हुआ है थोड़ा सा, लेकिन कट भी दिया हुआ है साइड से, और यहाँ पर टाई भी करने के लिए दिया है, ठीक है, साइड से. और 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. यहाँ पर भी इस तरह से लेस वर्क है. फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो यू गेट दिस प्रिंट. इसके साथ जो बॉटम है इसका प्रिंट लहरिया प्रिंट है. यू कैन सी इस तरह से इट इज़ हैविंग इलास्टिक, इट इज़ नॉट हैविंग पॉकेट. एंड दिस इज़ अ प्लाजो, नो दिस इज़ नॉट प्लाजो, ये सलवार लुक है, ठीक है. सो यस, काफ़ी इन है इस तरह का स्टाइल. सो यस, यहाँ पे आप ट्रायल देख सकते हो. मटेरियल इज़ अगेन सुपर्ब, सो गेट इट. ओके, सो इतने सारे शेड्स हम दिखाई रहे तो ब्लैक क्यों पीछे रहे. सो द ब्रांड नेम इज़ यूविक क्लोदिंग. साइज़ मैंने इसमें मीडियम चूज़ किया है क्योंकि मैंने इसे फर्स्ट टाइम ये ब्रांड ऑर्डर किया है. सो आई थॉट लेट्स बी सेफ, और मैंने फिर मीडियम बाय कर लिया अपने लिए. सो दिस इज़ द वन. सो ये कुर्ता सेट है एक्चुअली, सो गुड फॉर ऑफिस. ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट, ये जो कॉम्बिनेशन, ये ऑफिस के लिए कभी भी आप पहन सकते हो. इट लुक्स रिच एंड इट लुक्स यू नो डिसेंट. सो कुछ इस तरह का कुर्ता है. नाउ द मटेरियल इज़ रेयॉन, इट इज़ सॉफ्ट रेयॉन मटेरियल, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. इस तरह से छोटा सा वी नेक प्रोवाइडेड है, और आप प्रिंट तो देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है प्रिंट. और 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. साइड कट प्रोवाइडेड है. पूरे कुर्ते पर इस तरह से प्रिंट दिया हुआ है. इवन फ्रॉम बैक साइड यू गेट द सेम प्रिंट. ओके, इसके साथ जो बॉटम है दिस इज़ प्लेन ब्लैक बॉटम, रेयॉन मटेरियल में है ये भी, एंड इट इज़ हैविंग इलास्टिक. लेट मी चेक इफ पॉकेट इज़ देयर. येस, एट द राइट साइड पॉकेट इज़ प्रोवाइडेड एंड नॉट एट द लेफ्ट साइड. ओके, सो येस, एंड दिस इज़ अ पैंट. सो पैंट स्टाइल दिया हुआ है, रेयॉन मटेरियल है. सो पूरी तरह से मुझे कुर्ता सेट काफ़ी अच्छा लगा. एज़ पर प्राइस इट इज़ गुड इन क्वालिटी. सो इनकेस आपको पसंद आ रहा है, मेक श्योर यू गेट दिस. क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी. सो येस, इसके बाद जो आउटफिट है, नाउ दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड जनसिया. ओके, सो ये भी कुर्ता सेट है एक्चुअली. नाउ दिस इज़ इन ग्रीन कलर. ओके, साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. यस, कुछ इस तरह से है. सारे ही आउटफिट जो भी मैं आपको शो कर रही हूँ ना, सारे दिखने में बड़े प्रिटी है, डिसेंट है, गुड फॉर ऑफिस, गुड फॉर डेली वेयर. सो जो भी आपको अगर बाय करना है आप कर सकते हो. सबके लिंक्स मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ दिस वन. आई लव द मटेरियल, इसका भी मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस. मतलब इतना सुपर सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है, प्योर कॉटन. एंड लुक एट द नेक, इस तरह से बोट नेक दिया हुआ है. दिस लाइट ग्रीन कलर, और इस पर इस तरह से ना प्रिंट है, ठीक है. डिसेंट सा आउटफिट है. 3/4 स्लीव्स आर प्रोवाइडेड. यहाँ पर इस तरह से फोल्डेड लुक है विद अ बटन, एंड साइड कट प्रोवाइडेड है. और यहाँ नीचे आप देख रहे हो इस तरह से कट किया गया, मतलब यहाँ पर इस तरह से एप्पल कट है, ठीक है. एंड यस, इट इज़ लुकिंग नाइस. और बॉटम का प्रिंट डिफरेंट है, ठीक है. एंड इट इज़ हैविंग इलास्टिक, इट इज़ नॉट हैविंग पॉकेट. ओके, और ये विड्थ इतनी है. सो दिस इज़ अ पैंट, साइड कट भी प्रोवाइडेड है पैंट में. ओके, सो यस, आई लव इट. मटेरियल बहुत ही अच्छा है. सो इन केस आपको पसंद आ रहा है, जल्दी से बाय कर लेना. समर्स के लिए स्पेशली इट इज़ अप्रोप्रिएट टू बाय कॉटन आउटफिट्स. सो इसलिए, सो नेक्स्ट जो है, सो दिस इज़ अ कुर्ता आई गेस. ओके, सो ब्रांड नेम जो है इट इज़ फियोरा अगेन. साइज़ मैंने स्मॉल पिक किया हुआ है.
ओके हाँ मैं समझ गई है कौन सा आउटफिट है। ये थोड़ा डिफरेंट कुर्ता है, यहाँ पर आप मॉडल इमेज देख सकते हो। मुझे इसका लुक काफ़ी पसंद आया, सो आई थॉट कि चलो इसे ऑर्डर करके देखते किस तरह से ये आएगा। एंड यस, सो ये कुछ इस तरह से छोटा सा वी नेक प्रोवाइडेड है और इसका प्रिंट बहुत ही सुंदर है, कलर बहुत प्यारा है इसका, ब्लू शेड है और प्योर कॉटन है। स्लीव्स काफ़ी यू नो लॉन्ग दी है क्योंकि ये गैदर्ड स्लीव जो लुक होता है उस तरह का लुक क्रिएट होगा। और यहाँ पर बटन भी दिया हुआ है, जस्ट क्लोज इट अकॉर्ड, मतलब जैसे आप पहन लोगे स्लीव्स आपको यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है बटन को। ओके सो इस तरह से ओपन करना है। एंड दिस इज़ एन ए लाइन कुर्ता, पेयर दिस विथ वाइट बॉटम इट विल लुक ब्यूटिफुल, या फिर अगर आपके पास इस तरह का डार्क बॉटम होगा तो भी आप पहन सकते हो। दिस इज ए लाइन कुर्ता, वाओ, प्योर कॉटन एंड नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट, और बैक साइड से भी इस तरह से लुक मिल जाता है। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल, आई लव्ड इट। पर्सनली मुझे ये कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया, सो इन केस आपको अच्छा लग रहा है मेक श्योर यू बाय इट फॉर योर सेल्फ। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, आई लव द स्लीव्स, और समर्स के लिए भी अप्रोप्रिएट है। ऐसा नहीं है कि स्लीव्स है तो फिर आपको अनकम्फर्टेबल लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट लुक एट द स्टाइल, इट्स विल रियली यू नो कैच लॉट्स ऑफ आईज, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करेंगे कि आपने क्या पहना हुआ है, एंड इट इज़ गोइंग टू लुक डिफरेंट यूनिक, इसलिए तो प्लीज़ जल्दी से बाय कर लेना। सो नेक्स्ट जो कुर्ता है दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल अंजुश्री चॉइस। सो साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है। ओके उसका जो प्रिंट है ना ये लहरिया प्रिंट है, कलर इज़ सिंपली ब्यूटिफुल, इट इज़ ब्लू एंड काफ़ी फ्रेश लगता है इस तरह का शेड। और यहाँ पर इस तरह से लेस भी अटैच किया गया है। दिस इज़ अ स्ट्रेट कुर्ता, साइड कट प्रोवाइडेड है, पूरे कुर्ते पर इस तरह से ही प्रिंट है और यहाँ पर सिर्फ लेस वर्क है। और इस तरह से 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है, यहाँ पर भी जो है लेस अटैच की गई है। ठीक है, लुक एट दिस। ओके और साइड कट प्रोवाइडेड है, फ्रॉम बैक साइड यू गेट दिस लुक अगेन। सो यस, सिंपली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा है। इसके साथ आप वाइट बॉटम पेयर अप कर लेना, ऑब्वियसली विल लुक नाइस। सो जो भी मैंने आउटफिट आपको दिखाया इस वीडियो में, सारे के सारे आप डेली यूज़ के लिए ले सकते हो, या फिर यू नो आप मतलब ऑफिस के लिए भी ले सकते हो। आई हैव सीन पिक्चर्स ऑफ सो मैनी सेलिब्रिटीज़, वो भी सूट पहनना पसंद करते हैं ऐसे सीज़न में, और काफ़ी अच्छा लगता है, लिटिल डिफरेंट। हमेशा ही वेस्टर्न पहनना चाहिए ऐसा नहीं है, हमेशा ही इंडियन पहनना चाहिए ऐसा नहीं है, बट आई लव वेयरिंग एवरीथिंग, आई लव वेयरिंग वेस्टर्न, आई लव वेयरिंग एथनिक। ओके सो यस, सो नेक्स्ट जो है दिस इज़ अ ड्रेस। ओके सो ड्रेस है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे ना ड्रेसेस पहनना इतना पसंद है, जब मैं हॉलीडे पर होती हूँ तभी भी, लेकिन नॉर्मली कहीं जाना भी हो ना गर्मियों में तभी मैं ड्रेसेस प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब काफ़ी यू नो आपको कंफर्टेबल लगता है, साथ ही साथ स्टाइलिश भी लगता है। सो दोनों चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द वन, सो दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड कॉल्ड डिबाको, और साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है। सो लुक एट दिस, इस तरह का इसका स्टाइल है, फैब्रिक इज़ रेयॉन और यहाँ पर स्लीव्स इस तरह से। इसी में ना आपको स्ट्रैप वाला एक ड्रेस है वो भी मिल जाएगा, अगर आप स्ट्रैप्स पहनने में कंफर्टेबल हो तो वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, बट मैंने स्लीव्स चूज़ किए क्योंकि बहुत लोग स्लीव्स पहनना प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रैपलेस आपको पहनना है तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाकर एक बार वो ऑप्शन भी चेक कर लेना, इन केस आपको स्ट्रैप्स मतलब वो ऑप्शन चूज़ करना तो वो भी है। ठीक है, और इस तरह से ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सो लुक एट दिस फैब्रिक, सीरियसली बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, एंड लुक एट द फ्लेयर, इट इज़ सच अ फ्लेरी ड्रेस। डिबाको एक्चुअली ना काफ़ी नोन ब्रांड है, और पहले तो मैं इस ब्रांड से बहुत सारी चीज़ें दिखाती थी, और जैसे मैंने ये ड्रेस देखा अमेज़ॉन पर मुझे लगा कि यार बहुत ही डिफरेंट है इसका स्टाइल। सो डेफिनेटली आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप ये वाली ड्रेस ज़रूर बाय करें। सो यस, आई लव द क्वालिटी, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, और यहाँ पर इस तरह से लुक भी दिया हुआ है, थ्रेड से काम किया गया है। सो यस, डेफिनेटली पिक इट,
मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. फॉर हॉलीडेज इट इज़ एन अमेजिंग आउटफिट. आप यहाँ पर ट्रायल भी देख सकते हो, इट इज़ ब्यूटिफुल. ओके सो यस, सो इसके बाद भी एक और आउटफिट मैं आपको शो करूँगी. सो जैसे कि सिर्फ कुर्ता सेट नहीं यार, हम वेस्टर्न आउटफिट्स भी देखते हैं. और यस, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वन. आज आपने नोटिस किया होगा कि मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है. बहुत लोग मतलब इतने लोग तो ये भी कहते हैं कि आपकी शादी हो गई है. ओ हाँ, मेरी शादी भी हो गई है. आई एम हैविंग अ किड हु इज़ 8 years old. सो अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ. सो यस, ऐसा नहीं है कि अगर आप मैंने पहना नहीं है कभी तो फिर ऐसा नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई है. मैं कभी कभार वीडियो में पहनती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ. बट यूजुअली मैं दिन भर के लिए पहनती हूँ. ठीक है, सो यस, ये अब मैं महाराष्ट्रियन हूँ और हम लोग में इस तरह का ना ये वाटी है एक्चुअली जो हम लोग कहते हैं और इस तरह का गले में पहनते हैं आफ्टर मैरिज. सो आई लव वेयरिंग दिस. मुझे काफ़ी सुंदर लगता है ये पहनने के बाद, प्रिटी प्रिटी फील होता है मुझे. सो ये जो है ना, दिस इज़ अ नेक्स्ट ड्रेस एंड ये है फ्रॉम ब्रांड कॉल रोजरी. साइज़ मैंने इसमें स्मॉल पिक किया हुआ है. सो इस तरह का ये ओपन ड्रेस है. ठीक है, बट ये जो मटेरियल है ना, दिस इज़ स्ट्रेचेबल. और यहाँ पर आप मॉडल इमेज देख लो, ये इस तरह की ड्रेस है और कुछ इस तरह का लुक दिया हुआ है. बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बट डेफिनेटली पहनने की बात तो यार बहुत ही क्लासी लुक आ रहा है. आप देख रहे हो इस तरह से 3/4 स्लीव्स प्रोवाइडेड है. यहाँ पे थोड़ा सा पफ़ी लुक दिया हुआ है. इसमें ना और भी कलर ऑप्शंस है जहाँ तक मुझे याद है. इसमें आई गेस वाइन कलर है और ब्लैक कलर है, बट मैंने मरून चूज़ किया. ब्लैक ड्रेसेस मेरे पास है और वाइन कलर के ड्रेसेस भी मेरे पास है. सो आई थॉट मरून विल लुक गुड. और डेफिनेटली आप ये वाला आउटफिट ट्राई कर सकते हो. आई लव दैट. और समर्स के लिए भी बहुत ही अप्रोप्रिएट है. ये ओपन इस तरह से मिला है मुझे, लेकिन ये जो टाई करने के लिए दिया है ना, इसे आपको बस अच्छे से टाई करना है एंड यू आर गुड टू गो. जस्ट वेयर एन इनर या फिर आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हो ताकि आप कंफर्टेबल फील करो. इस तरह से यहाँ पर ओपनिंग दी हुई है जहाँ से आपको जो टाई अप है वो आपको यहाँ से अंदर डालना होता है एंड देन यू कैन जस्ट यू नो टाई इट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्ट्रक्चर. एंड डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है. यू कैन सी द ट्रायल. सो यस, सो कैसा लगा आपको आज का ओवरऑल वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ये तो नोटिफिकेशन बेल जस्ट नेक्स्ट टू ताकि आपको उस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ देखने मिले. और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. यूट्यूब ने बहुत सोच समझ के ये फीचर दिया है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक कर दो. और कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. ठीक है, सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर.